गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा लेक्चर है ये लेक्चर बीएससी सेकेंड सेमेस्टर फिजिक्स के विद्यार्थियों के लिए है। इस लेक्चर में आज हम लोग पार्ट ए थर्मोडायनेमिक्स का सबसे फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। ठीक, इस एमसीक्यू को मैं दो पार्ट में लाऊंगा। अभी इसमें जो क्वेश्चन है उनके अलावा भी और क्वेश्चन आपके लिए लाने की कोशिश करूंगा, ताकि अगर कहीं से भी पेपर बने तो आप अपना पेपर सही से दे सकें और अच्छा से अच्छा मार्क गेन कर सकें। ओके, आप पूरे विश्वास के साथ इन लेक्चर को देखिए, क्योंकि जो क्वेश्चन का नंबर है वो मैं बहुत ज़्यादा दे रहा हूं, मतलब मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। इस वजह से डिटेल में डिस्कस करना थोड़ा मुश्किल है। अगर आपको कहीं डाउट होता हो, ठीक, तो आप उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं। नीचे टेलीग्राम लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, वहाँ जाके आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी अपने डाउट को पूछ सकते हैं। ओके, हो सकता हो मैं कोई ऑप्शन पढ़ूँ और बोलने में कोई ऑप्शन गलत निकल जाए, तो ऐसे केस में भी अगर आपको डाउट लग रहा हो तो उसको भी आप क्लियर कर लीजिएगा। ओके, तो देखिए जो सबसे पहला क्वेश्चन है, कह रहा कि द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स अपॉन, कि आइडियल गैस का इंटरनल एनर्जी किस पर डिपेंड करता है। तो इसका क्या होगा, जो पहला क्वेश्चन है इसका आपका देखिए चार ऑप्शन दिया है। कह रहा कि प्रेशर, फिर उसके बाद लिखा हुआ है वॉल्यूम, फिर लिखा है टेम्परेचर एंड वॉल्यूम बोथ। तो क्या होगा इसका, सी नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है, द हीट गिवेन टू एन आइडियल गैस इन आइसोथर्मल कंडीशन इज यूज्ड। आइसोथर्मल कंडीशन में जो हीट हम आइडियल गैस को देते हैं वो यूज होता है, मतलब वो क्या काम करता है। नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा है, इसका क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। वो क्या होता है, एक्सटर्नल वर्क करने के काम में आता है। ठीक, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि एन आइडियल गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड फ्रीली अगेंस्ट अ वैक्यूम इन अ रिजिड इंसुलेटेड कंटेनर द गैस अंडरगोस। ठीक, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आपका, देखिए मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ, स्क्रीन पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप वहाँ देखते रहिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, इसलिए थोड़ा तेज अब मैं बताते आगे बढ़ूँगा, ताकि आपको ज़्यादा कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दे दूँ। ओके, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर जो सी होगा करेक्ट होगा। ओके, इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट होगा, नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज इन इट्स टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी। ओके, फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि ड्यूरिंग द मेल्टिंग ऑफ स्लैब ऑफ आइस एट 273 केल्विन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो सी होगा क्या होगा, करेक्ट होगा, इंटरनल एनर्जी ऑफ आइस वाटर सिस्टम इंक्रीजेस। ओके, आप जब भी एमसीक्यू को पढ़िए तो अपने नोट्स को रिवाइज करके पढ़िए, तो आपको जो भी एमसीक्यू कराया जाना अच्छे से समझ में आएंगे। अगर बिना रिवाइज के बैठ जाएंगे तो फिर समझ में नहीं आना ना, तब डाउट क्रिएट हो सकता है। हाँ, अगर रिवाइज करके आप बैठे रहेंगे तो हो सकता है पढ़ते टाइम मुझसे कुछ गलती हो जाए, जैसे कोई ऑप्शन जल्दी जल्दी गलत बता दूँ तो वो भी आप पकड़ लेंगे, तो उससे क्या होगा कि उसको सुधार कर दिया जाएगा। ठीक, और नहीं पढ़े रहेंगे गलती से, वैसे मैं कोशिश करता हूँ सही से करेक्ट करेक्ट बताया जाए, लेकिन मुझे टाइम कम होने की वजह से जल्दी जल्दी एमसीक्यू मैं तैयार करता हूँ आपको बताने के, मतलब लिखवाता हूँ और उसको पूर्व ज्ञान के आधार पर बताता हूँ। ठीक, तो मान लीजिए अगर कहीं गलती से मिस्टेक हो ही जा रहा है, तो अगर आप पढ़े रहेंगे तो उसको आप कैच कर लेंगे, तो उसको इम्प्रूव कर दिया जाएगा कमेंट करके बता देंगे, तो ये सब फ़ायदा होता है। दूसरा, आप पढ़े रहेंगे तो आपका रिविज़न भी होते रहेगा। अब देखिए पांचवा कह रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रिवर्सिबल, इसमें से कौन सा प्रोसेस आपका रिवर्सिबल है। तो पांचवा का क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ये सब देखिए आसान क्वेश्चन है, ये सब तो आप लोग क्लास सिक्स के साइंस में पढ़े होंगे। अब देखिए सिक्स नंबर क्वेश्चन कह रहा कि द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस, गैस का स्पेसिफिक हीट, ऑप्शन नीचे दिया गया है, इसका क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट होगा, कैन हैव एनी वैल्यू बिटवीन जीरो एंड इन्फिनिटी।
ओके सेवन नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज रिलेटेड टू, थर्मोडायनेमिक्स का जीरोथ लॉ किससे रिलेटेड है, तो किससे रिलेटेड है आपका, टेम्परेचर से रिलेटेड है। ओके एट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज पाथ इंडिपेंडेंट, इसमें से कौन सा ऐसा है जो आपका क्या है, पाथ इंडिपेंडेंट है, तो इसका क्या होगा, डी नंबर ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। ओके नाइन नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इन विच प्रोसेस नो हीट इज रिक्वायर्ड, इसमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट की कोई आवश्यकता नहीं होती है, तो इसका क्या होगा आपका, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके अब देखिए टेन नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इन विच प्रोसेस नेटवर्क डन इज जीरो, किसमें नेटवर्क डन जीरो रहता है, तो ये तो आप शुरू से ही पढ़े होंगे, हाई स्कूल इंटर में पढ़े होंगे, किस प्रोसेस में आपका नेटवर्क डन जीरो रहेगा, तो क्या रहेगा आपका, जो फ्री एक्सपेंशन है उसमें क्या होता है, नेट वर्क डन जो होता है आपका क्या होता है, जीरो होता है। ओके तो टेन नंबर क्वेश्चन का आपका क्या होगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, फ्री एक्सपेंशन में आपका नेट वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। ठीक अब देखिए इलेवंथ नंबर क्वेश्चन करा कि इन विच प्रोसेस देयर इज अ चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, किस प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी में क्या होगा, चेंज आएगा, तो 11th नंबर क्वेश्चन का आपका क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके अब देखिए आप लोग अच्छे से पढ़िएगा इस एमसीक्यू को, सीरियसली लीजिएगा, जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में मेरा एमसीक्यू पढ़े होंगे उनको पता है कि जो एमसीक्यू बताया जाएगा उसी में से या तो सेम टाइप आएगा, या तो सेम आएगा या तो उस टाइप का आएगा। ठीक तो इस वजह से सीरियसली आप पढ़ते जाइएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द वर्क डन इन अ साइक्लिक प्रोसेस होना चाहिए, चलिए ठीक है, साइक्लिक इज गिवन बाय द एरिया इनक्लोज बाय द साइकिल ऑन पीवी डायग्राम, ठीक दिस स्टेटमेंट, तो कौन सा ऑप्शन इसमें से 12 का करेक्ट है, तो क्या होगा, नंबर क्वेश्चन तो क्या होगा, इज ऑलवेज ट्रू, ठीक इज ऑलवेज क्या होगा, ट्रू होगा। देखिए क्वेश्चन फिर से समझिए, कह रहा है कि द वर्क डन इन अ साइकिल इज गिवन बाय द एरिया इनक्लोज्ड बाय द साइकिल ऑन पीवी डायग्राम, दिस स्टेटमेंट इज क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक यही तो डेफिनेशन होता है, ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, जो वर्क डन होगा उसको क्या होगा, जो एरिया इनक्लोज है उससे क्या कर लेते हैं हम, कैलकुलेट कर लेते हैं पीवी डायग्राम में। ठीक तो इसका 12 का क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट होगा। ओके अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज द कंजर्वेशन ऑफ, किसका कंजर्वेशन है, तो ये तो आप इंटर से पढ़ते हुए आ रहे हैं, कंजर्वेशन क्या होता है, इनर्जी होता है, इनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ये सब तो आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, लाभ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसमें भी फिर ये सब पढ़े होंगे। ठीक अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, तो 14 नंबर क्वेश्चन करा कि इफ अ सिस्टम अंडरगोस कंट्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम देन द वर्क डन बाय द सिस्टम इज, ठीक तो वर्क डन बाय द सिस्टम एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम दोनों में अंतर होता है, जब आप लोग क्लास में पढ़े होंगे तो ये चीज़ आपको पढ़ाया गया होगा। ठीक तो इस वजह से स्टेटमेंट पर भी ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके 15 नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि अ सिस्टम परफॉर्म्स वर्क डेल डब्ल्यू व्हेन एन अमाउंट ऑफ हीट डेल क्यू इज एडेड टू द सिस्टम द करस्पॉन्डिंग चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज डेल यू फुल स्टॉप अ यूनिक फंक्शन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स इरिस्पेक्टिव ऑफ द मोड ऑफ चेंज इज, ठीक तो इसका क्या होगा, 15 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, डी नंबर वाला ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। ठीक अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन करा कि इफ पी इज द प्रेशर यूज द इंटरनल एनर्जी एंड डेल डीवी इज द इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ अ सिस्टम देन, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ये सब तो आप अच्छे से पढ़े होंगे, इसका क्या होगा आपका, 18 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, सॉरी 16 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा,
डी वाला ऑप्शन जो होगा आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि अ गैस इज कंप्रेस एट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर फ्रॉम अ वॉल्यूम ऑफ मीटर क्यूब टू अ वॉल्यूम ऑफ 4 मीटर क्यूब। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसिंग है। ठीक, यहाँ 10 मीटर क्यूब है, यहाँ पे 10 रहेगा। ठीक, इसको आप सही कर लीजिएगा। 10 मीटर क्यूब टू अ वॉल्यूम ऑफ 4 मीटर क्यूब फुल स्टाफ एनर्जी ऑफ 100 जूल इज देन एडेड टू द गैस बाय हीटिंग। ठीक, फिर पूछा है इट्स इंटरनल एनर्जी इज, तो इसका इंटरनल एनर्जी में क्या परिवर्तन आएगा, कितना घटेगा या कितना बढ़ेगा, ये ऑप्शन करके पूछा हुआ है। ठीक, तो देखिए जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा, ए वाला ऑप्शन जो होगा आपका क्या होगा, करेक्ट आएगा। ओके, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि द इक्विवेलेंस ऑफ टू सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम इज रिप्रेजेंटेड बाई। ठीक, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो 18 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर जो ए होगा क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, 17 का भी ये है और 18 का भी ये है। ठीक, 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इन अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस द वॉल्यूम रिमेंस कांस्टेंट फुल स्टॉप द प्रोसेस इज कॉल्ड, कौन जिस प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। ठीक, तो इसका क्या होगा, बी नंबर वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ये सब तो चीज़ें आपको अच्छे से तैयार रहनी चाहिए। 29 क्वेश्चन देखिए कह रहा कि इन एन एडियाबेटिक चेंज बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक, अब देखिए स्टेटमेंट दिया है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए, तो 20 नंबर का क्या होगा आपका, सी नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट बट द टेम्परेचर मे वेरी। ओके, 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि एन एडियाबेटिक प्रोसेस एट कॉन्स्टेंट, एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या कॉन्स्टेंट रहेगा, तो ये भी आप जान रहे हैं। ठीक, सी वाला ऑप्शन जो इसका होगा करेक्ट होगा। ओके, 21 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट होगा। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इन आइसोथर्मल प्रोसेस, अब नीचे पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस, तो इसमें देखिए थर्मल वर्ल्ड जुड़ा हुआ, तो इसी से आपको कैच कर लेना चाहिए क्या कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर जो रहेगा आपका वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ओके, अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैस डिपेंड्स अपॉन। ठीक, तो 23 का क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। मैं फिर से एक बार कर रहा हूँ आपसे कि आप अपने नोट्स को रिवाइज करके पढ़िए, क्योंकि मैं इसमें एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो वीडियो दो दो ढाई ढाई घंटे के बनेंगे। ठीक, तो आपको देखने में भी असुविधा होगी, इस वजह से आप नोट्स रिवाइज करके जब पढ़ने बैठेंगे तो क्वेश्चन देख के तुरंत आप खुद आंसर बता सकते हैं। ठीक, मेरा मेन मकसद आप तक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को पहुँचाना है, इस वजह से मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ठीक, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लेक्चर को अपने नोट्स को रिवाइज करके ही देखने बैठे हैं। ओके, और इसको शेयर भी करिए ताकि आपके दोस्त भी इसका लाभ उठाएं, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जो भी डाउट हो उसको कमेंट करके पूछते रहिए। ओके, अब देखिए 24 नौ क्वेश्चन कह रहा है कि द इंटरनल एनर्जी ऑफ रियल गैस डिपेंड्स अपॉन, तो 24 का क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, फिर कर रहा है 25 नौ क्वेश्चन कि द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज अ स्पेशल केस ऑफ, किसका स्पेशल केस है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो 25 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, डी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आप स्टेटमेंट जब पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ का तो उससे आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि मोनोटॉमिक आइडियल गैस इनिशियली एट 17 डिग्री सेल्सियस इज सडनली कंप्रेस टू 1/8 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, द टेम्परेचर आफ्टर कंप्रेशन इज, तो कंप्रेशन के बाद इसका टेम्परेचर कितना होगा, तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको सी नंबर ऑप्शन क्या आएगा, करेक्ट मिलेगा। ओके, अब देखिए 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एयर इज एक्सपेंडेड फ्रॉम 50 लीटर टू 150 लीटर एट 2 एटमॉस्फेरिक
प्रेशर द एक्सटर्नल वर्क डन एच। तो 27 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, 2 × 10⁴ जूल। ओके 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा किंग एन इन्वर्टर, सॉरी एन इन्वेंटर क्लेम टू हैव डेवलप एंड डिजाइन विच कंज्यूम्स 1 ग्राम ऑफ फ्यूल पर सेकेंड। ठीक, देखिए क्वेश्चन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, तो अब देखिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। तो इसमें अगर देखा जाए 28 नंबर क्वेश्चन में, तो ए नंबर स्टेटमेंट जो क्या होगा वो आपका करेक्ट होगा। आप इसको पढ़े होंगे, ठीक, ए नंबर वाला स्टेटमेंट, दिस इज इम्पॉसिबल, ये स्टेटमेंट आपका क्या होगा 28 नंबर का क्या होगा, करेक्ट होगा। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो इन सब ठीक, तो दिस इज इम्पॉसिबल स्टेट। अगर क्वेश्चन देखिए फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कह रहा कि एन इन्वेंटर क्लेम टू हैव डेवलप एंड डिजाइन विच कंज्यूम 1 ग्राम ऑफ फ्यूल पर सेकेंड, और ब्रैकेट में देखिए लिखा है ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू 2 किलो कैलोरी पर ग्राम, ठीक, एंड डिलीवर्स 10 किलोवाट ऑफ पावर, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक, तो जब इसको पढ़े होंगे आप, तो उसमें थ्योरी को, तो उससे आप समझ सकते हैं कि क्या होगा, जो ये आपका स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा, इम्पॉसिबल है। ओके, अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि एन आइडियल गैस इज टेकन थ्रू अ सीरीज ऑफ चेंजेस रिप्रेजेंटेड इन फिगर 12। ठीक, चलिए फिगर ये जो बगल वाला फिगर है, ठीक, साइड वाला फिगर देखिएगा, द नेट वर्क डन बाय द गैस एट एंड ऑफ द साइकिल इज इक्वल टू, तो कितना नेट वर्क डन होगा, तो इसको कैलकुलेट करना सर लोग सिखाए होंगे, आप कैलकुलेट कर ले जाएंगे। देखिए आसान क्वेश्चन है, क्या होगा इसका 29 का जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा क्या होगा आपका, करेक्ट आएगा। ओके, अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एन आइडियल मोनोटॉमिक गैस इज टेकन राउंड द साइकिल ए बी सी डी ए इन फिगर, जो फिगर साइड में दिखा गया है, ठीक, ये फिगर यहाँ पे पूछ रहा है कि द वर्क डन ड्यूरिंग द साइकिल इज, तो कितना वर्क डन होगा, तो ये सब भी आप कैलकुलेट कर लेंगे, इसका क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। ठीक, 31 नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि ड्यूरिंग एन एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ गैस द इंटरनल एनर्जी वॉज फाउंड टू हैव डिक्रीज बाई -100 जूल, फिर पूछ रहा है कि द वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस, तो कितना होगा जब आप कैलकुलेट करेंगे, तो 31 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट आएगा। ओके, इस पार्ट में मैं बस इतना ही एमसीक्यू डिस्कस कर रहा हूँ 31, फिर इसके आगे आप इतना पढ़िए, इसके आगे क्या किया जाएगा और एमसीक्यू दिया जाएगा आपको इसमें, अभी इसका सेकंड पार्ट भी दिया जाएगा और थर्ड पार्ट भी दिया जाएगा। ठीक, इतने एमसीक्यू को आप अच्छे से पढ़िए, और कहीं डाउट होता तो उसको ज़रूर कमेंट करके पूछिए, या तो टेलीग्राम पे या तो व्हाट्सएप पे। ठीक, एक एक एमसीक्यू को अच्छे से एक्सप्लेन करना संभव नहीं है, क्योंकि टाइम बहुत कम है, और मेरा कोशिश है कि आपको 8 चैप्टर का एमसीक्यू प्रोवाइड कर दिया जाए। वैसे पिछले साल जब एग्ज़ाम हुआ था, तो ऑलरेडी मैंने पार्ट बी के 3 चैप्टर का एमसीक्यू डाला हुआ है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं। फिर इस साल कुछ और नया एमसीक्यू जो अपडेट हुआ उसको भी दिया जाएगा, आप इतना पढ़ लेंगे, ये आपके लिए काफ़ी सफिशियंट है, आपको कहीं से और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आप अच्छे से पढ़ाई बस करिए अपना, 30 को आपका एग्ज़ाम है, अभी पर्याप्त टाइम है, अभी 10-12 दिन में आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। बाकी मिड टर्म एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है वो भी आपको बताए जा चुके हैं, उनको भी आप तैयार करें और अच्छे से अपना एग्ज़ाम दें। ओके, बेस्ट ऑफ लक।